बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो तरीका से पूछा जाएगा। पहला तरीका आप देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग दिया गया है, योग और गुणनफल दिया गया है। ये एक पहला तरीका है। और दूसरे में क्या होगा कि आपको ये योग नहीं और गुणनफल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको शून्यंकन दिया रहेगा। तो आपको उसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा और इसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा। ये दोनों आपको 2 या 5 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे जाएंगे। तो पहले बनाते हैं इन प्रश्न को। तो प्रश्न में आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग दिया गया है कितना, -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सल्यूशन या हल, लिख दीजिए आप हिंदी में। तो हम सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, α+β। तो कितना दिया गया है, -3। इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया गया है, यानी अल्फा, इस तरह से लिखते हैं इसको दोस्तों, α/β बराबर हो जाएगा आपका 2। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - α+β x + α×β। दोस्तों इधर बराबर दे करके 0 नहीं दिया जाएगा, अगर इसको बराबर करके 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम आपको मिस्टेक से एक वीडियो में ऐसा बराबर में दे करके 0 दे दिया है, लेकिन वह भी चल सकता है, लेकिन इस तरह से सही मायने में ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान हमको इतना दिया गया है तो यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा x² - यहाँ पे इसका मान कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद फिर x, फिर प्लस, इसका मान 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे बराबर देंगे, अब x², ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो +3, और ये गुना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x² + 3x + 2, ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया जिसका कि शून्यंकों का योग दिया गया था -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया था 2। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया।